दस दिनों के उत्सव के बाद विदा हुए गणपति, लालबाग के राजा के विसर्जन जुलूस में उमड़ा लोगों का सैलाब। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति का विसर्जन, स्थानीय लोगों के साथ जमकर थिरके विदेशी। मुंबई के जुहू में गणपति विसर्जन के लिए उमड़ी लाखों की भीड़, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गणपति विसर्जन के लिए थाईलैंड से आया भक्तों का टोला, गिरगांव बीच पर किया विसर्जन। समंदर में गणपति विसर्जन पर रही कोस्ट गार्ड की नजर, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में भी रेस्क्यू के लिए रही तैयार टीमें। पुणे में भी गणेश विसर्जन में सड़कों पर दिखा जन सैलाब, गाजे बाजे के साथ विदा करने उमड़े लोग। गणपति विसर्जन में रंगों से सजा पुणे, जगह जगह रंगोलियों ने बिखेरी छटा। वायरल हुई गणेशोत्सव की सबसे प्यारी तस्वीरें, मुहर्रम के दिन मुंबई के वडाला में गणेश पंडाल से निकली ताजिए लिए 5,000 की भीड़। लातूर में पानी की कमी की वजह से नहीं हुआ गणपति विसर्जन, प्रशासन ने लगा रखी थी रोक। महाराष्ट्र के सतारा में भीषण हादसा, सवारियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 6 की मौत, 10 घायल। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने फिर मारी पलटी, दूसरी बार काउंसलर एक्सेस देने से किया इनकार। गुजरात के सूरत में नए ट्रैफिक नियमों के प्रति अनोखी जागरूकता, गणेश पंडाल में हेलमेट पहनकर पहुंचे लोग। राजकोट के शास्त्री मैदान में चल रहे गणेश महोत्सव में नोटों की बारिश, लोक गायक देवराज गढ़वी पर बरसे हजारों रुपए। 166 अंकों की गिरावट के साथ 37,104 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 52 पॉइंट्स गंवाकर 10,982 पर बंद। 74 रुपए की गिरावट के साथ 38,775 रुपए पर सोना, चांदी 10 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 48,590 रुपए प्रति किलो। निर्यातकों को सस्ती दरों पर मिलेगा विदेशी मुद्रा में कर्ज, सरकार जल्द जारी करेगी नए नियम। दिवाली से पहले गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग हो सकती है अनिवार्य, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दिए संकेत। इस साल अब तक 36.8 लाख टन चीनी का निर्यात, सबसे ज्यादा ईरान ने की खरीदारी। वरुण धवन की कुली नंबर 1 के प्लास्टिक फ्री होने की मोदी ने की तारीफ, वरुण ने हाल में एक फोटो शेयर कर बताया था कि कुली नंबर 1 की टीम प्लास्टिक फ्री हो गई है। अली फैजल के हाथ लगी और विदेशी फिल्म, अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास पर है फिल्म, अगले महीने लंदन में शूटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। मुंबई की हर गली मोहल्ले में बस एक ही गूंज है, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दिया। गणपति की विदाई हो रही है, अलग अलग गणेश पंडालों का जत्था विसर्जन के लिए निकला हुआ है। लालबाग के राजा की सवारी भी पूरे आन बान और शान से विसर्जन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। गणपति दर्शन के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा है। गणेश गली के बप्पा की भी सवारी विसर्जन के लिए निकली है। उधर पुणे में डगड़ू से गणपति के रास्ते में भी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सड़कों पर। इसी के साथ महाराष्ट्र समेत देश भर में 10 दिनों का गणेशोत्सव अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त मुंबई में चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं। आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? और सीधे हम रुख करेंगे, हमारी संवाददाता अनुपमा इस समय हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, जो लगातार लाल बाग के राजा की जो विसर्जन की सवारी निकली है उसको फॉलो कर रही हैं। अनुपमा, सबसे पहले तो ये बताएं, अब तक
ये पूरा का पूरा जो जनसैलाब लालबाग के राजा के विसर्जन के लिए निकला हुआ है, ये कहां तक पहुंची है यात्रा? जी, इस वक्त मैं हूँ गिरगांव चौपाटी पर और हमारे साथ है हमारी सहयोगी विद्या, जो कि दोपहर से ही गिरगांव चौपाटी पर जितने भी विसर्जन हुए हैं वहां पे पूरा का पूरा नजारा इन्होंने देखा है। तो लालबाग के राजा के बारे में हम लोग बताएंगे, विद्या ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दोपहर से रात तक क्या कुछ हुआ विद्या यहाँ पर? अब देखिए, तकरीबन अभी 9 बजे तक का जो आंकड़ा बीएमसी की तरफ से मिला है, म्यूनसिपालिटी की तरफ से, वो यही है कि तकरीबन 22,000 मूर्तियों का विसर्जन अब तक हो चुका है ऑलरेडी 9 बजे तक में। इसमें से तकरीबन 18,000 के आसपास तो बड़ी मूर्तियां, मतलब जो मूर्तियां थी सार्वजनिक, वो अभी आ ही रही हैं। जो छोटी छोटी घरों से निकलनी जो गणपति की मूर्तियां हैं, जो लोग अपने बप्पा को विदाई दे रहे हैं घरों से, वो मूर्तियां अभी इस वक्त गिरगांव चौपाटी, दूसरी जो चौपाटियां हैं वहां पहुंची हैं, पवई जो लेक है वहां पहुंची। ऐसे कई सारे विसर्जन पॉइंट्स हैं जहां पर पूरे राज्य में, मुंबई में स्पेशली, इन जगहों पर विसर्जन हो रहा है। और यही वजह है कि इन इलाकों में, जैसे कि गिरगांव चौपाटी जहां हम इस वक्त हैं, इतना ज्यादा यहाँ भक्ति भाव में लोग डूबे हुए हैं। हर जगह आप देख लीजिए गणपति बप्पा मौर्य या पुर्चा वर्षी लवकरिया, यानी कि अगले साल फिर से आइएगा, ये कह के भावभीनी श्रद्धांजलि और प्यार जो है वो बप्पा का नजर आ रहा है यहाँ। अगले बरस तो जल्दी अनुपमा, सब बोल रहे हैं। अगर अपने कैमरामैन को आप कहें कैमरा पैन करके थोड़ा सा आसपास का नजारा दिखाएं कि इस समय गिरगांव चौपाटी पर क्या माहौल है, क्या वहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितना भव्य नजारा है। जी, हम कैमरा पैन करने के लिए कहेंगे हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं। देखिए, बस अभी एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर आ रही है, इस तरफ अगर कैमरा दिखाएं तो यहाँ पर एक मूर्ति जा रही है, बस गिरगांव चौपाटी उधर सामने है और विसर्जन के लिए लगातार यहाँ से मूर्तियां जा रही है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, जन सैलाब आप देख पा रहे हैं, किस तरह से लोग मूर्तियों के विसर्जन के लिए जा रहे हैं, जो जोश है यहाँ पर, जिस तरह से लोग रात को करीब 12 बजने वाले हैं लेकिन भीड़ कम नहीं हुई, यहाँ पर पूरा का पूरा जुलूस निकल रहा है यहाँ पर। और हम विद्या से दोबारा बात करेंगे। विद्या, जो अगले बरस तू जल्दी आ कि आप बात कर रहे थे, तो हमने कहीं पढ़ा सोशल मीडिया पे कि ऑलरेडी गणेश जी अनाउंस कर चुके हैं क्योंकि वो अगले साल अगस्त में आ रहे हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग जोक्स भी होते हैं इसके लिए। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गिरगांव पे खासतौर से लालबाग के राजा का इंतजार सबसे ज्यादा होता है। लालबाग के राजा की जब यहाँ पर यहाँ प्रस्थान करते, यहाँ पहुँचते हैं, तब उनको लेके तब भी तकरीबन 6 से 7 के बीच बज जाते हैं, लेकिन तब भी भारी भीड़ रहती है यहाँ पर। और जब उनको विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, नाव में उनकी सवारी की जाती है, उसके बाद नाव, उनकी नाव के बगल में और मछुआरे जो कम्युनिटी जो है यहाँ मुंबई में, वो अपनी उनकी अपनी अपनी नाव में चढ़ के बीच समुंदर में जाते हैं और फिर वहाँ पे पानी ऐसे छिड़काया जाता है, उसके बाद आखिरी पूजा आरती जो होती है वो होगी सवेरे, और उसके बाद विसर्जन होगा। तो उस समय के लिए यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, कुछ लोग बाहर से आए हैं, विदेश से भी आए हैं, और महाराष्ट्र और के बाहर से भी कई लोग सिर्फ और सिर्फ लालबाग के राजा के विसर्जन को देखने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या आपका भी और अनुपमा आपका भी ये तमाम बातें बताने के लिए, भव्य नजारा दिखाने के लिए। तो लालबाग के राजा का इंतजार सब लोग कर रहे हैं जो गिरगांव चौपाटी पर इस समय मौजूद है। आपको बता दें कि लालबाग के राजा का जो पंडाल है, सबसे भव्य पंडाल इसको माना जाता है, सबसे बड़ा पंडाल इसको माना जाता है, और इतना बड़ा ये काफिला होता है, लगभग इस तरीके से इसका रूप तैयार किया जाता है कि पूरी मुंबई को कवर कर लिया जाए और रात गुजर जाती है, अगले दिन सुबह तक विसर्जन हो पाता है लालबाग के राजा का।